वेलकम टू एवरीवन। टाटा स्टील का जो हम लोग का स्पेशल सीरीज चल रहा था जनरल साइंस का, तो उसमें केमिस्ट्री का छठा, तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो जियोथर्मल पावर जो है वो हम लोग का रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है जैसे बायोमास एनर्जी, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस कंटेन्स मेनली, तो गोबर गैस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन, गोबर गैस मेनली कंटेन्स मीथेन। ये जो क्वेश्चन है, गोबर गैस, बायोगैस, एलपीजी गैस, इसमें कॉमनली सबसे ज़्यादा मीथेन ही पाया जाता है। और ये क्वेश्चन घुमा फिरा के ऑप्शन को या फिर क्वेश्चन को घुमा के हमेशा टाटा स्टील में देता ही है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ बायोगैस, सेम आंसर, मीथेन। बायोगैस हो, गोबर गैस हो, एलपीजी हो, सब में मीथेन ही सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट, एन एग्जांपल ऑफ रिपल्सेबल एनर्जी जो होता है, यानी कि जिसका हम लोग फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो है बायोमास, यानी कि वैसा एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी हो। नेक्स्ट, फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस द मटेरियल कॉमनली यूज्ड आर, बायोगैस को जनरेट करने के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल जनरली यूज करते हैं? तो करते हैं एनिमल वेस्ट का। नेक्स्ट, द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस, तो मेन कंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस मीथेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेबल, इनमें से कौन सा है जो बायोडिग्रेबल है? तो पेपर जो है वो बायोडिग्रेबल है, बाकी सब बायोडिग्रेबल नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा है कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो एनर्जी भी दो तरह का होता है, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। तो कमर्शियल में आपका आ जाएगा कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। और नॉन कमर्शियल में हो जाएगा जैसे फायरवुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट। तो कमर्शियल का पूछा, तो इनमें कमर्शियल कौन सा? तो नेचुरल गैस जो वो कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? तो अभी बताया था कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गया कमर्शियल, और फायरवुड जो हो गया नॉन कमर्शियल। नेक्स्ट, द नेचुरल रिसोर्स नोन एज ब्लैक गोल्ड इज, कौन सा नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम लोग ब्लैक गोल्ड बोलते? तो आपका कोल, कोल को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी बोलते हो। नेक्स्ट, द चीफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल गैस इज, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में या फिर सबसे अधिक किसका कंस्टिट्यूएंट होता है नेचुरल गैस में? तो मीथेन का होता है, बोले ना। इसका क्वेश्चन घुमा के या ऑप्शन ऊपर नीचे करके ये क्वेश्चन बहुत पूछता। इसी तरह हम कोशिश किए हैं कि हम भी लगभग लगभग सारा घुमा फिरा के क्वेश्चन कर सकें। नेक्स्ट, द रिसोर्स विच कैन बी यूज कंटिन्यूसली ईयर आफ्टर ईयर, तो कौन सा ऐसा रिसोर्स है जिसको हम लोग कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं ईयर आफ्टर ईयर और ख़त्म नहीं होता? तो होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, द हाइएस्ट वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन लोअर एटमोसफेयर इज कंप्रेस्ड ऑफ, तो है आपके नाइट्रोजन। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर है इसका नाइट्रोजन। इसका हाईएस्ट वॉल्यूम होता है और लोअर एटमॉस्फेयर में कंप्रेस्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वाटर वेपर कंटेन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम वाटर वेपर कितना कंटेन्स, तो 3 to 4% ओनली। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या है, तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में आमतौर पे होता है कि कन्वर्जन होता है अमोनिया टू नाइट्रेट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सा ऐसा जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपका N2O जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। N2O क्या है, ये लाफिंग गैस। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन मैक्सिमम ओवर। तो सबसे ज़्यादा जो हुआ था ओजोन में होल, वो कहाँ हुआ था, तो अंटार्कटिका के ऊपर ही हुआ था। नेक्स्ट, ओजोन सेव्स द बायोस्फीयर बाय एब्जॉर्बिंग हाई एनर्जी रेडिएशन कॉल्ड। ओजोन जो है बायोस्फीयर को, ओजोन जो है सेव करता है बायोस्फीयर को कौन से रेडिएशन को ऑब्जर्व करके, तो अल्ट्रावायलेट रेज को, जो सन से निकलता है उसको एब्जॉर्ब करके सेव करता है बायोस्फीयर को। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काउज ऑफ प्रेजेंट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। इनमें से कौन सा जो प्रेजेंट काउज नहीं है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का, तो है डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन एटमोसफेयर। यानी कि एटमोसफेयर में ओजोन लेयर को डिफेक्ट करने वाला कौन सा ऐसा केमिकल्स है या फिर गैस है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है प्रोसेस, तो है कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन टू अमोनिया। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन कन्वर्ट टू फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, सच एस अमोनिया। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इन सब में किसके कारण काउज होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर का सबसे लोएस्ट लेयर कौन सा, तो है ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट, अर्थ एटमॉस्फेयर इज एन इनवॉल्व ऑफ गैसेस एक्सटेंडिंग टू ए हाइट ऑफ। तो अर्थ एटमॉस्फेयर जो है, मतलब कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व की तरह कवर है बहुत सारा गैसेस से, तो इसका एक्सटेंडिंग हाइट कितना, तो है 200 किलोमीटर तक। नेक्स्ट, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर काउजेस। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा या फिर नष्ट होगा तो क्या काउजेस होगा, तो स्किन कैंसर का काउजेस होगा। नेक्स्ट, नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। नाइट्रिफिकेशन किस चीज़ का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो अमोनिया टू नाइट्रेट में चेंज करने का बायोलॉजिकल प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट, बिसाइड CO2 द अदर ग्रीन हाउस गैसेस। CO2 के अलावा कौन सा और ग्रीन हाउस गैस है, तो है मीथेन, यानी CH4। नेक्स्ट, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय द हायर लेवल ऑफ विच गैसेस इन एटमॉस्फेयर। तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो किसके इफेक्ट से, हायर लेवल गैस मतलब कौन सा
गैस का हायर लेवल से होता ज़्यादा, तो है नाइट्रस ऑक्साइड का। सॉरी सॉरी, ग्रीन हाउस इफेक्ट का काउच जो होता है वो हाईएस्ट लेवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ना कि नाइट्रस ऑक्साइड से। ठीक है, नेक्स्ट। द एटमॉस्फेरिक गैस डेट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, तो कौन सा एटमॉस्फेरिक गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन जो है यानी कि ग्रीन हाउस गैस को एक लाइन में आप लोग याद कर लीजिए कि ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है वो मेनली उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत तरह से घुमा घुमा के देता है। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग में रिजल्ट इन, तो ग्लोबल वार्मिंग अगर होगा तो क्या रिजल्ट होगा? तो सारा ही रिजल्ट हो, फ्लड भी आ सकता है, साइक्लोन भी, फॉरेस्ट का जो प्रोडक्टिविटीज है वो भी कम हो सकता है। ऑक्सीजन विच इज वाइटल फॉर लाइफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कम फ्रॉम, ऑक्सीजन जो है जो लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस। ये किससे आता है? तो ये आता है वाटर के थ्रू। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय डस्ट, तो एसिड रेन किस पॉल्यूशन के कारण इन्वायरमेंट में होता है? तो होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ, तो देखिए इसमें तो है नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन से होता है। ठीक है, तो मेनली हम बता देते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है वो मेनली चार चीज पे होता है, मेजर गैसेस है। पहला है वाटर वेपर, ठीक है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मीथेन, और चौथा है एटमॉस्फेरिक ओजोन। ठीक है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर पे हो, जो ऊपर हो वो नहीं, जो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, विच गैस डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो इनमें से कौन सा गैस है जो एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है? तो है क्लोरीन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओजोन इन फाउंड इन अर्थ एटमॉस्फेयर मोस्टली बिटवीन, तो ओजोन जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर मोस्टली बिटवीन कहाँ पे है? तो है 20 to 15 किलोमीटर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो इसमें से नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एक्सीलरेटेड बाय, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सीलरेटेड किस कारण से हो? तो डिफॉरेस्टेशन होगा तो भी होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगा तो पॉल्यूशन होगा उसके कारण भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी ज़्यादा होगा तो उससे भी पॉल्यूशन निकलो, यानी कि ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, स्मोक इज फॉर्म्ड ड्यू टू, स्मोक किसके कारण फॉर्म होता है? तो सॉलिड बिना लिक्विड में आए डिस्पर्स हो जाता है गैस में, तब स्मोक का फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग एविडेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन एटमोसफियर हैज लीड द फॉलोइंग इफेक्ट एक्सेप्ट, तो ग्रीन हाउस गैस अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ एनर्जी डेट काउज द लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग इज,
इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो बहुत ही कम ग्लोबल वार्मिंग में इफेक्ट करता? तो वो है आपका जियोथर्मल एनर्जी, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, इससे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल काउजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन? तो इनमें से कौन सा फ्यूल है जो सबसे कम पॉल्यूट करता? तो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट, बायोफर्टिलाइजर कन्वर्ट नाइट्रोजन टू बायोफर्टिलाइजर नाइट्रोजन को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता? तो अमोनिया में। नेक्स्ट, द एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज है वो किसके अकॉर्डिंग है? तो वो है आपका एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, पीरियोडिक टेबल कंटेन्स हाउ मेनी पीरियड्स? तो पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड्स है? तो है 7। नेक्स्ट, विच वन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल? लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? तो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव? इनमें से कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है? तो कार्बन जो है इन चारों में से मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर पूरा पीरियोडिक टेबल में बात करें तो फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है सबसे ज़्यादा। पीरियोडिक टेबल कंटेन्स हाउ मेनी ग्रुप्स? पीरियोडिक टेबल कितने ग्रुप्स है? तो 18 ग्रुप्स है टोटल। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ कितना एलिमेंट्स है? तो 118। तो लास्ट क्वेश्चन तो ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।